नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में कि अकबर कौन था, उसका जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, ठीक है, और उसने कौन से युद्ध लड़े, उसने अपने जीवन काल में क्या क्या कार्य किए और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी अकबर के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों कम्पिटिटिव एग्जाम में अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको जो भी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो इस वीडियो में अकबर के बारे में मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो जरूर करें। दोस्तों अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आपको वहां पर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, अकबर के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखिए कि अकबर का जन्म कब हुआ था, तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। कहां पर हुआ था? अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था, ठीक है, आपने याद रखना है 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। दोस्तों आगे देखिए, अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि अकबर का पूरा नाम बताइए, आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, तो उसका पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1604 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम नवाब हमीदा बानो बेगम था। हुमायूं का पुत्र अकबर था, और जो हुमायूं किसका पुत्र था, वो बाबर का पुत्र था, ठीक है। आगे देखिए, अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था, यानी कि सबसे पहले तो बाबर आया था 1526 में, जो पानीपत का पहला युद्ध हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अकबर, जो बाबर है वो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत के अंदर। फिर आया उसका पुत्र हुमायूं, ठीक है, 1530 में बाबर मर गया था, फिर हुमायूं आया था, और फिर आया ये अकबर, ठीक है। दोस्तों अब आगे देखिए, इतिहासकारों के मतानुसार अकबर के जन्म के समय हुमायूं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि वह शेरशाह सूरी से पराजित हो गया था। देखिए हुमायूं आया तो 1531 में था, लेकिन 1540 में उसने शेरशाह सूरी से युद्ध लड़ा और वह युद्ध में हार गया, और फिर आ गया सूर वंश, यानी मुगल वंश कुछ समय के लिए खत्म हो गया था 1540 के बाद, सूरवंश आ गया था। तो जो ये था हुमायूं था, इसकी स्थिति दयनीय थी जब ये अकबर पैदा हुआ। तो अकबर का प्रारंभिक जीवन बहुत ही कठिनाइयों से व्यतीत हुआ। जब उसका जन्म हुआ तो उसके पिता हुमायूं के पास उसका जन्मोत्सव मनाने के लिए कुछ नहीं था, ठीक है दोस्तों, उसके पास केवल एक कस्तूरी थी जिसको तोड़कर हुमायूं ने अपने सरदारों में बांटा था। आगे देखिए दोस्तों, 1551 ईस्वी में अकबर को गजनी की सूबेदारी सौंपी गई, जब अकबर मात्र 9 वर्ष का था, यानी जन्म हुआ 1542 में, लेकिन 1551 में क्या हुआ, अकबर को गजनी का सूबेदार बना दिया गया, उसको गजनी की सूबेदारी सौंप दी गई, उसकी उम्र उस समय थी केवल 9 वर्ष, ठीक है। आगे देखिए, हुमायूं की मौत का खबर सुनकर बैरम खान ने गुरदासपुर के निकट कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया, यानी जैसे ही बैरम खान को पता चला कि हुमायूं की मौत हो चुकी है तो उसने क्या किया, उसने गुरदासपुर के निकट कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया, उसे हुमायूं की गद्दी पर बिठा दिया, उसे अकबर को मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक बना दिया। आगे देखिए दोस्तों, राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 4 महीने की थी, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, अकबर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खान से संबंधित था। ये दो वंश कैसे थे, जो उसका पिता था बाबर वो तो था तैमूर वंश से, और जो उसकी माता थी वो थे जो मंगोल नेता चंगेज खान था उससे, उसके वंश से थी उसकी माता, तो वो अपने पिता की ओर से तो था तैमूर वंश को, और जो अपने माता की ओर से था वो चंगेज खान के वंश था, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर का प्यार और सम्मान मिला, ठीक है दोस्तों। बादशाह जो मतलब जितने भी ये बादशाह हुए हैं, चाहे वो बाबर हुआ, चाहे वो हुमायूं हुआ, अकबर हुआ, जहांगीर हुआ, औरंगजेब हुआ, यानी मुगल शासक जितने भी हुए हैं, इनमें से सबसे ज्यादा प्यार अकबर को ही मिला है, हिंदू की ओरों से भी और मुस्लिम लोगों की तरफ से भी।
अकबर को प्यार और सम्मान मिला है। उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच दूरियां कम करने के लिए दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना किसने की थी, अकबर ने, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि अकबर ने कौन से धर्म की स्थापना की थी, तो वो था दीन ए इलाही धर्म था। आगे देखिए दोस्तों, अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। जजिया कर क्या था? तो जजिया कर वो कर था जो गैर मुस्लिमों पर लिया जाता था, यानी जो लोग मुस्लिम नहीं थे उन पे कर लिया जाता था, उसी जजिया कर कहते थे। लेकिन अकबर ने उसे खत्म कर दिया। लेकिन क्या हुआ, जब औरंगजेब आया आने वाले समय में, तो औरंगजेब ने उस कर को दोबारा से स्टार्ट कर दिया, चालू करवा दिया। तो आगे देखिए दोस्तों, अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगा दी। यानी कि क्या होता था, जब युद्ध लड़ा जाता था तो जब जो सेना हारती थी तो उसके सैनिकों को बंदी बना लिया जाता था, उन्हें दास बना लिया जाता था, उसे दास प्रथा कहते थे। लेकिन अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगा दी। आगे देखिए, 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुरी सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने के इसके पूरे पूरे चांस है कि अकबर ने अपनी राजधानी किसको बनाया। तो वो था फतेहपुर सीकरी नामक स्थान है, उसको अपनी राजधानी बनाया था। कब बनाया था? 1571 ईस्वी में बनाया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए कि 1583 ईस्वी में अकबर ने एक नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया था। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा गया है कि अकबर ने कौन सा कैलेंडर जारी किया था, तो था इलाही संवत। कब जारी किया गया था? 1583 ईस्वी में। आगे देखिए दोस्तों कि अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का काफी प्रयास किया था और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। यानी सती प्रथा क्या थी, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी उसके साथ सती हो जाती थी, यानी जब उसका दाह संस्कार किया जाता था तो उसके साथ उसको जिंदा जला दिया जाता था, उसकी पत्नी को। ठीक है, तो अकबर ने इसे रोका और जो विधवा विवाह था उसको प्रोत्साहित किया कि भाई ज्यादा से ज्यादा विधवा विवाह होने चाहिए, जो ये महिलाएं हैं इनको सती नहीं होने देना। वो अकबर ने कोशिश की थी लेकिन ये ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। ये अंग्रेजों के समय ही ये लागू हुआ था कानून की सती प्रथा बंद कर दी गई थी। आगे देखिए दोस्तों, लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 16 वर्ष और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। मुगल काल में पहले क्या होता था दोस्तों कि छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, फिर उन्हें बहुत सारी बीमारी हो जाती थी, उनमें से कुछ मर जाते थे। तो अकबर ने क्या किया कि जो लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु थी वो तो रख दी 16 वर्ष कि भाई इससे छोटे उम्र के लड़के की शादी नहीं होगी, और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु रख दी 14 वर्ष कि इससे कम की जो लड़कियां हैं उम्र की, 14 साल से कम की लड़कियों का विवाह नहीं होगा। आगे देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर ने 1575 ईस्वी में सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की। तो इबादत खाने की स्थापना कब की गई? 1575 में। किसके द्वारा की गई? अकबर के द्वारा। आपने ये भी याद रखना है। आगे देखिए, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी पता है, कई बार आपने देखा होगा कि बुलंद दरवाजे की स्थापना किसने की, तो अकबर ने की। कहाँ पर की? फतेहपुर सीकरी में। आगे देखिए, अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। ये जन्म कब हुआ था? 1542 में, 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ। और मृत्यु कब हुई? अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। ठीक है, अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि इसको कहाँ दफनाया गया था, इसकी कब्र कहाँ पर है, तो वो है आगरा के निकट सिकंदरा में। आगरा का किला भी अकबर ने बनवाया था। अब देखिए दोस्तों, अकबर के 9 नवरत्न थे। आप अकबर के जो नवरत्न थे उनके बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर उनके नाम देख रहे होंगे कि जो पहला था वो था अबुल फजल, दूसरा था फेजी, यानी अबुल फजल का भाई ही था फेजी, तीसरा तानसेन, चौथा बीरबल, पांचवा टोडरमल, छठा मानसिंह, सातवां अब्दुल रहीम खाने खाना, आठवां था फकीर अजीउद्दीन और नौवां था मुल्ला दो प्याजा। तो दोस्तों इनके सभी के नाम आपने याद रखने हैं। इनके नाम याद करने की मैंने आपको ट्रिक बता रखी है और वो ट्रिक का जो लिंक है, वीडियो का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर वो जीके ट्रिक देख ले। इतनी आसान है कि आपको ये सभी के सभी नाम बड़ी आसानी के साथ याद हो जाएंगे। तो दोस्तों अकबर ने दो युद्ध, जो प्रमुख युद्ध थे, वे दो युद्ध लड़े थे। एक था पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि 1556 में लड़ा गया था,
किसके बीच? बाबर और हेमू के बीच लड़ा गया था इसमें, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था इसमें। अकबर की जीत हुई थी और हेमू की हार हुई थी, उसकी आंख में तीर लग गया था हेमू की में। और जो दूसरा युद्ध लड़ा था वो था हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि अकबर और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, ये भी अकबर ने ही जीता था। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको अकबर से रिलेटेड जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आपको बता दी है। जो भी अकबर के बारे में क्वेश्चन आएगा कम्पिटिटिव एग्जाम में वो इन्हीं जानकारी में से आएगा, तो आपने सभी को याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, ताकि वे भी अकबर के बारे में जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो जान पाए। और अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि दोस्तों वहां पर भी मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं। और अगर अभी तक आपने जीके गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।